सोनाली का पत्र। नंदगांव, 24 नवंबर 2014। प्रिय सिम्मी, नमस्ते। तुम कैसी हो? यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं। कहीं गेहूं के खेत हैं, तो कहीं सरसों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगे हैं। कुछ में पालक और गोभी है, कुछ में टमाटर और बैंगन है। मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। आजकल गांव में गुड़ बन रहा है। गुड़ गन्ने के रस से बनता है और फिर ताजा गुड़ खाने की बात ही कुछ और है। मेरा मन यहाँ खूब लग गया है। गांव में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई हैं, परंतु मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है। तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता। मैं 3-4 दिन में दिल्ली लौटूंगी। नानी जी तुम्हारे लिए गुड़ भेज रही हैं। वापस आते समय लेती आऊंगी। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। चीनू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी सहेली सोनाली।